वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नु सब्सक्राइब कर लो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इस नु लाइक अते शेयर जरूर कर देना। एक कहानी लगभग तुसी सारेयां ने सुनी होनी है कि एक मां अपने बच्चे दे मिठा खाण दी आदत तो बड़ी परेशान सी। उसनु वार वार समझाउंदी पर बच्चा ना मानदा। एक दिन वो कहिंदी कि मैं तेरे स्कूल टीचर नु शिकायत करांगी। ते कहिंदे वो बच्चे दे नाल ही स्कूल विच गई अते टीचर नु जाके दस्या तुसी बच्चे नु कहो कि ये मिठा खाना बंद कर दे। पर कहिंदे उस स्कूल टीचर ने कहा कि मैं इस नु एक हफ्ते बाद ये गल समझावांगा। ते कहिंदे हफ्ते बाद मां फिर बच्चे दे नाल गई अते कहा कि तुसी बच्चे नु समझाओ। ते कहिंदे उस स्कूल टीचर ने कहा कि बेटा मिठा खाना सेहत दे लई बहुत हानिकारक हुंदा है, इसलिए तुसी मिठा खाना बंद कर दो। ते कहिंदे ये सुन के मां बहुत हैरान हुई अते मां ने टीचर नु कहा तुसी ये गल एक हफ्ता पहला भी ते कह सकदे सी, उस दिन क्यों नहीं कही। ते कहिंदे उस टीचर ने बड़ा सोहना उत्तर दिता। उसने कहा कि भैन जी जो कमी मेरे विच सी ओ कमी मैं किसी दूसरे नु दूर करन दी सलाह किस तरह दे सकदा सी। ते कहिंदे उस टीचर ने दस्या कि मैं पहला अपनी इस माड़ी आदत नु सुधारिया ते फिर अपने स्टूडेंट नु ये सिक्ख्या दे पाया हां। ते इस कहानी तो सानू भी बहुत सारिया सिक्ख्यावां। पहली ये कि जो भी जिम्मेवारी किसे नु मिली होवे उसनु पूरी ईमानदारी नाल निभाउणी चाहीदी है। अते दूसरा ये एक सिक्ख्या एक सिखाउण वाले दे सिर दे उत्ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है अते उसदा फर्ज बणदा है कि उह अपनी जिम्मेवारी नु पूरी ईमानदारी नाल निभावे। ते दूसरा कि जो कमियां आपां दूसरियां विच कढ़दे आं अते उहनां नु कमियां सुधारन दी सलाह दिंदे आं, पहलां उहनां कमियां नु अपने आप विचों बाहर कढ़ो। अते तीसरा अपने वाहेगुरु जी नु हमेशा अपने अंग संग महसूस करो अते उसदा डर मनो। जिवें मान लो कि मैं सारा दिन तुहानू कहिंदी रहिंदी आं कि ईरखा हंकार नु त्याग के गुरु दे लड़ लगो, अमृत वेले उठो, उठ के नाम दी कमाई करो, बंदगी करो, पर असल विच आप मैं ईरखा अते हंकार नाल भरी होवां, फिर इस तरह गलत नहीं ना बनदी। तुसी कई इंसान इदां दे देखे होणगे जो बाहर बड़िया ज्ञान दीआं गल्लां करदे ने पर असली असलियत उहनां दी उहनां दे अपने घर तों पता लगदी आ कि उह किन्ने पाणी विच आ। इसलिए एक गल हमेशा याद रखो कि आपां दूसरिआं नूं धोखा दे सकदे आ, दूसरिआं नूं बेवकूफ बना सकदे आ, पर अपने आप नूं नहीं, अपने वाहेगुरु जी नूं नहीं। अते वाहेगुरु साडे खुद दे ही अंदर आ जो साडे चंगे माड़े कम्मां नूं देख रिहा है अते उहनां कम्मां दा हिसाब किताब रख रिहा है। जिस तरह उह कहण नूं तां टीचर उसे वेले भी कह सकदा सी कि मिठा ना खाओ, पर उहदे अंदर दी आत्मा ने उहदे अंदरले रब ने उसनूं झूठी गल कहण दी इजाजत नहीं दित्ती। पर अपने अंदर दी आवाज अपने अंदर दे रब दा डर उही मनदे आ जो रब नाल जुड़े हुंदे आ। अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं हमेशा अपने अंग संग महसूस करदे आ, उन्हां दा डर अपने अंदर रखदे आ। ते आओ आपां वी स्वास स्वास उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं याद करिए अते अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जी दी रजा विच रहना सिखिए अते वाहेगुरु जी दे डर नूं हमेशा मन विच रखिए कि जो भी मैं चंगे माड़े काम कर रहा हां मेरे वाहेगुरु जी सब देख रहे आ। अते जिन्हां विच वी इह तिन गल्लां हुंदियां ने जो अपनी मिली हुई जिम्मेवारी नूं पूरी ईमानदारी नाल निभाउंदे ने, दूसरा कि दूसरियां विच कमियां कढ़न तों पहलां अपने आप दे विच जो कमियां कढ़दे ने ते अपनियां कमियां नूं सुधारदे ने, अते तीसरा जो हमेशा अपने वाहेगुरु जी दा डर अपने वाहेगुरु जी नूं अपने अंग संग महसूस करदे ने, इहो जिहे इंसानां नूं हर थां ते मान सन्मान अते इज्जत मिलदी है। मेरे गुरु नानक पातशाह जी ये वडियाईयां ये मान सन्मान आप उन्हां दी झोली दे विच पा दिंदे ने। जेकर ये वीडियो वधिया लगी हुई तो इसे लाइक अते शेयर जरूर कर देना अते अपने चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।